नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हमारे साथ ऐसी बुजुर्ग दंपत्ति है जिनके मकान पर कब्जाधारियों ने 2008 से कब्जा किया हुआ है और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं। हाँ जी, आपका नाम? शंभरनाथ। हाँ जी, रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोफेसर। हाँ जी, जो ये आपका मकान था इस पे कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है, आपने इसको लेकर प्रशासन से गुहार लगाई होगी। प्रशासन से किस किस पे गुहार लगाई? सीएम विंडो में डाला। हाँ जी। और एसपी ऑफिस में डाला। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर भेजा, पुलिस स्टेशन में वो उनको बुलाते रहे, वो आए नहीं। उन्होंने ये डाला कि भाई हमने 30 लाख रुपए इनको दिए, कोई प्रूफ नहीं दिया। ये मकान आप दोनों के नाम है जी, आपका नाम? मेरा नाम बिमला, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम फूड एंड सप्लाई एज ए सुपरिटेंडेंट। हां जी, जैसे कि इनका कोई बेटा नहीं है, इनकी सिर्फ बेटी है, तो इसी चीज का फायदा उठा के उन कब्जाधारियों ने इनके मकान पर कब्जा कर रखा है, जिसको लेके प्रशासन से गुहार लगा सकते। हम विंडो पे जा चुके हैं, एसपी के पास जा चुके हैं, लेकिन इनकी आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई है, जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। जो हम इनसे खुद जानना चाहते हैं कि इन्होंने अब तक कितनी जगह क्या क्या कार्रवाई करवाई है, क्या क्या नहीं। जी हाँ, बताइए। उसने सिर्फ एक एप्लीकेशन दे दी कि मैंने 30 लाख दी है, पर आगे कुछ खुद आती नहीं थी। डीएसपी सर काफी कोशिश करते रहे, पर पुलिस विभाग उसको बुलाने की कोशिश करती रही, पर वो उसने कोऑपरेट नहीं किया। फिर हमने मजबूर होकर सबके कहने पर हमने बिजली का मीटर कटवा दिया। जैसे ही बिजली का मीटर कटवाया तो इस औरत ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट के केस करने पर उसको मीटर तो मिल गया, पर हमें भी फिर उस मजबूरी में जाना पड़ा कोर्ट में। तो इसने वहां लिख दिया कि मैंने 25 लाख रुपया भागो देवी को दिया है। हमारे परिवार में कोई भागो देवी नाम की है ही नहीं, और हमने मकान तो दिया था हेमंत ग्रोवर को। हाँ जी। और ये नवंबर 18 तक बीच बीच में हमें परेशान करता। आपने कौन से सन में उनको मकान किराए पे दिया? हेमंत ग्रोवर को हमने 2008 में किराए पर दिया था। आपका मकान सेक्टर 14 में, मकान नंबर 325। आपने उनको अपना मकान किराए पर दिया था जी, और उन्होंने कब तक किराया दिया आपको? जैसे नवंबर 18 तक तो हमें किराया देता रहा, बल्कि हमें काफी बीच बीच में हरास भी करता रहा। तो नवंबर 18 के बाद हमें नहीं पता चल था कि ये हम किराया लेने जाते हैं। नहीं, आप किराया लेने मत आया करो, हम चुप करके चलो घर में दे जाते हैं। दिसंबर 18 में वो तो हो गया सेट वहाँ पर, तो वो चला गया और वहाँ गोवा में जाके कहते मैं होटल खोल लिए, अब मेरा कोई जिम्मा नहीं है। जैसे फोन कर, उसके मकान में कौन रहता है जिसने किराए पे लिया था? हरजीत कौर। वो कौन है उनकी? वो कहता है कि मेरी बुआ है, वो गोली वर्मा। अच्छा, वो उनकी औरत को बुआ लगती है। उससे पहले हम उस औरत को जानते नहीं थे। हम तो फरवरी में किराया लेने गए कि मेरे को 2 महीने पहले भी कैसे दे देता था, दे देगा। कहते मेरा कोई मतलब, वो कहे कि वो मेरा लड़का जानेगा, लड़का इसको कहती थी, और वो इसको फर्स्ट है ये ना दे। फरवरी 19 में जब इसके पास हम किराया लेने गए, इसने हरजीत कौर ने हमें परेशान किया। उसके बाद हम फिर चुप करके बैठ गए, क्योंकि पता है कि हम दो जने हैं। तो हम उसके बाद अप्रैल में गए, इस औरत ने ऐसे दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा एकदम बंद किया, और मेरा आपके साथ मारपीट भी की। हाँ जी, हम आपने जो ये मारपीट की पुलिस में शिकायत की? हमने कुछ, हम तो सबर करके घर में बैठ के धमकी दी कि यदि तू अपने हस्बैंड को लेकर आएगी इस गली में तो मैं ऐसे आरोप लगाऊंगी कि वो कहीं मुंह भी नहीं दिखा सके। और हमारे पास क्या चारा था बेटे, हम सब सफर करके बैठ के। जो वो है, उनके पीछे किसी नेता का या किसी बड़े आदमी का हाथ है कि इस कब्जे करने बेटे है? कुछ नहीं आया, हम किसी के ऊपर क्यों आरोप लगाए। उसके बाद 2 जून को मेरी बेटी छुट्टियों में आई तो कहती है मम्मा ऐसे कब तक सब अपने मकान की प्रॉपर्टी क्यों देते हो। मैं जाती हूँ उसके पास, वो प्यार से गई उसको अंदर भी बिठाया, हम जो किया था तो बातों बातों में उसने सारी उसकी रिकॉर्डिंग है हमें, उसमें उसने कहीं नहीं लिखा कि मैंने कोई पैसे दे रखे हैं। 3 जून की 2019 की बात है। तो फिर उसने हम बिटिया ने कहा कि आप सीएम विंडो में डालो। उसके उपलक्ष्य में उस जैसे उसको बुलाया गया तो उसने लिख दिया कि मैंने 30 लाख दिए हैं। जब 3 जून को तो वो नहीं दे रही, 7 जून को बता सकती है कि मैंने 30 लाख दिए।
तो मेरे हस्बैंड तो सुनते हैं एकदम परेशान कि हमने तो कोई पैसा ही नहीं लिया, तो ये कैसे आरोप लगा रही है। उसके बाद हम पुलिस डिपार्टमेंट का हमें कोऑपरेट करती रहेगी, पर वो लेडी कोऑपरेट ही नहीं करेगी, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कुछ कर सकते। किसी ने कहा कि तुम मीटर कटवा, मीटर कटवाने के बाद हमें किसी ने कोर्ट में गए, मीटर ले लिया और वहाँ लिख कर दे दिया कि मैंने 25 लाख रुपया भागो देवी को दिया था। हमारे परिवार में दूर तक भागो देवी का नाम कोई नहीं है, हाँ भागवंती है मेरी मदर इन लॉ, और वो बेचारी 80 साल की थी, जो 25 पैसे तो अपने पास रखने दी थी, तो 25 लाख कैश वो कहाँ लेने वाली उनकी, भी कहाँ। उनकी डेथ हो कितना टाइम हो गया? वो उनकी 6 जून 2017 को डेथ थी, और वो भी 2016 में जब नोटबंदी थी, पैसा किसके पास था नहीं, और कैश पैसा कहाँ से आया था जो इसने हमें दिया 20 लाख दी, हम इनको इन लोगों को दिया, हम 1 रुपया भी नहीं दिया उसने, और हमारा 1.25 साल हो गया किराया भी नहीं दे रही, और हम इतने परेशान हो चुके हैं ना, और हमारे पास मकान नहीं है कि हम कहीं, अब जिस मकान में रहते हैं वहाँ मालिक आ रहे हैं, हम कहाँ जाए बेटे। आप अब किस मकान में रहते हैं? हम तो सेक्टर 7 में रहते हैं, किराए पे है? बिल्कुल किराए पर है। अच्छा, आपने अपना मकान आपका कब्जे में है और आप खुद किराए के मकान पे रहने को मजबूर, आप कितने से किराए पे रह रहे हो? हम तो हो गया 10 साल हो गया। बेटा आएगा वो प्लाट लेगा, मकान बनाएगा, और फिर मैं उसमें जाऊंगी, आपको मकान जो है मैं आप दूध के साथ धोकर आपको दूंगी। जब उसने कहा कि भाई बेटा आएगा, तो उसके बाद पैसे कैसे लग गए ये पता नहीं, कैसे दे दिए उसने। हमारे साथ इधर यहाँ पे जेपी शेखपुरा जी जो कि एडवोकेट हैं, वो हैं जिन्होंने इनकी आवाज बुलंद की है, जो इनके मुद्दे को लेकर सरकार के पास भी गुहार लगा रहे हैं जगह जगह, हम उनसे जानते हैं इस मुद्दे के बारे में कि क्या है ये सारा मुद्दा। आज से 1 महीना पहले अचानक ये मेरे को मिले, पर मैं थोड़ा सा इलेक्शन के बाद अपने घर गृहस्थी में बिजी था, फिर भी मैंने सोचा चल ये तो किस किस के दुख दूर करे, दुनिया दुखी है, तो पर बाद में जैसे ही पता लगा कि शातिर दिमाग का हेमंत ग्रोवर इन लोगों के साथ एक्सीडेंट भी कर सकता है, और ये इन्होंने एक बात तो बताई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड अकेले लड़का है, उनके और कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ का ना कुल्ले की हड्डी टूट गई थी, 18 जून को उनको घर ले, 19 जून को हम इसके पास, क्योंकि पैसे की दिक्कत थी तो पैसे लेने गया, मेरे बेटे हमें किराया तो 3-4 महीने से इसने किराया नहीं दिया था, इसने उस टाइम खाली हिम्मत मिला था और ऐसे वर्डिंग बोले कि मेरे हस्बैंड सह ना सके। ये स्कूटर पर हम आ रहे थे, इनके हाथ से स्कूटर छूटा, ये तो 10 फुट दूर चका के दौड़े, इनके सिर की हड्डी टूट गई, 10 इंच का सिर है, 12 इंच का एक तो। आपने उस वक्त भी पुलिस में कोई हम तो ये उसको भी यही में लेकर के कुदरती हो गया, अब इनके हाथ से स्कूटर छूटा है, और कारण यह था कि इनके दिमाग पर बोझा पड़ गया कि ये क्या कह रहे हैं, और इनके हाथ से स्कूटर छूटा, इनका सिर की हड्डी टूट गई, हड्डी पेट में रखी, और 20 दिन को तो इनको होश ही नहीं थी। हम किस पर आरोप लगाते हैं? हम तो कंप्रोमाइज करते वाले बंदे हैं कि चलो निकल जाए टाइम, ये भी निकल जाए, अब तो इन्होंने हाथ ही कर दी। उसके बाद 18 में फिर किराया लेने के 3-4 महीने का किराया देता था, चलो फिर देकर फिर मिठा बन जाता, आंटी जी मेरी मजबूरी हो गई से मैं तय नहीं देता, कह लो बस हम बच्चा समझ कर फिर माफ कर देते। जनवरी 18 में फिर किराया लेने गए, फिर इसने ऐसा हरास किया, मेरे हस्बैंड को खून की उटियाँ लगी, उधर से वो हरास करता था, इधर से मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता था, और मैं कहाँ तक अकेली औरत जाती। देखो हमारा युवा बोलेगा मंच संगठन है, और हम लोग अब तक 800 आंदोलन कर चुके हैं, पर अब ये हिंदुस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम जी कि कब्जाधारी जो होता है बड़ा शातिर दिमाग के होते हैं, वो क्या सोचते हैं, बुजुर्ग आदमियों की तरफ निगाह रखते हैं और उनके मकान किराए पे ले लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही किराया देते हैं थोड़े दिन, और उसके बाद किराया देना बंद कर देते हैं, और फिर उनका मकसद होता है हमारे संविधान में हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट में लचीलेपन का फायदा उठाना। इन लोगों को कोर्ट मीटर के लिए इन्होंने मीटर कटवा दिया, टेम्परेरी मीटर बन गया, लग गया वहां पर, और उसके बाद लोअर कोर्ट में केस डल गया, अब लोअर कोर्ट चलना था, फिर सेशन कोर्ट चलना था, फिर हाई कोर्ट चलना, फिर सुप्रीम कोर्ट चलना, और उनकी ये मंशा होती है कि बुजुर्ग दंपति तारीखों पे तारीख जा करके और थक जाए और ऊपर चले जाए, और उसके बाद आराम से वो प्रॉपर्टी उनके अधीन हो जाए, ये मकसद ही इन लोगों का लेके चला था। पर आपके माध्यम से हेमंत ग्रोवर जी को फिर हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि करनाल पूरी तरह जाग चुका है, आज सवेरे भी दिखाना, आज सवेरे भी नोटिस आया है हमारे पास, आज फिर नोटिस आया, शर्म नहीं आती
कल वीडियो डाल रहे हैं अरिजीत कौर, हेमंत जी अपनी अपनी, और फिर फंसते जा रहे हैं। अभी भी शुद्ध बुद्धि हो भैया, चुपचाप बुजुर्ग संपत्तियों को, बुजुर्ग दंपतियों को अपना माफी मांग ले और मकान खाली कर दे। मकान तो खाली करना पड़ेगा। और ये ऐसे ऐसे नोटिस भिजवा रहा है पता नहीं कहाँ। और आपको बता दूं, उसके परिवार एक महीना तक उससे मीटिंग की, दूसरों से कराई, उसके ससुर जी है विजय जी हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर वाले, उनसे बात करी, तो कोई परिवार वाला उसका साथ भी नहीं दे रहा। इतना शातिर दिमाग है, कभी कहता है मेरे को धमकी मिलती दे रहे हैं, कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, कभी कहती है वो औरत जो अरिजीत कौर बिठा रखी है मुँह बोली बुआ मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मैं मर जाऊंगी, तो ऐसे ऐसी चीजें डरा रही है सभी को। अरे उन लोगों का बताओ ये कहाँ जाए। इनकी एक ही लड़का था, वो लड़के की डेथ हो गई, इनकी दो बिटिया थी, इन दो बिटियों की डेथ हो गई, उसके बाद ये जो बीच में बैठे हैं बुजुर्ग, इनका टेंशन से सिर का ऑपरेशन हुआ, और आखिर में 10-15 साल की जिंदगी इन लोगों की। अपना मकान देखना चाहते हैं, पर हम सामाजिक संस्थाओं ने, करनाल वालों आप जाग जाओ, मीडिया के द्वारा हम आपसे भी हाथ जोड़ते हैं कि हम तुरंत इनको उस मकान पर हर हाल में लेके जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। इससे पहले अगर उसको आ जाए तो वो आकर के, आपने भी फोन किया आज तो जी जी, हमने तो कहा था दूसरी पार्टी को बुलाओ जी जी, वो आप लोगों ने फोन किया तो आते क्यों नहीं है, ना कोई सबूत है, ना कोई बात है, ना कोई है, वैसे ही पता नहीं। आपके माध्यम से जितने बुजुर्ग दंपत्ति अपने मकानों में रहते हैं वो सचेत हो जाए जी, जो कब्जाधारी है वो सावधान हो जाए, क्योंकि युवा जाग रहा है और हम लोगों ने एक ठान लिया है कि हम हर हालत में इन लोगों को मकान, इनका इस जिंदगी में इन लोगों को अपना मकान नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, किराए के मकान में रहते हैं लोग जी। तो ये इस मकसद से हम लोग इन लोगों को आवाज उठाने के लिए आपके पास आए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन के पास जब आप गए तो उन्होंने आपकी कोई मदद की इस केस? उन्होंने इसको बुलाने की कोशिश करी, बेटे जब तक वो नहीं आएंगे तो केस पूरी कोशिश करी इसको बुलाने की। डीएसपी सर ने अपने इंस्पेक्टर को भेजा, हाँ जी, पर वो आई नहीं, मैं नहीं आती, वो किसी के सामने पेश नहीं होते, ना घर से आते, तो पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये तो कोर्ट कर सकती है पुलिस। दूसरी बात, ये तारीखें जो कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में अब तारीख चल रही है 20 लाख का, 35 लाख का, अगर हम चाहें तो आपका जो मकान है ना उस पे भी सिविल मामला डाल दे, 3-4 साल हम आपको परेशान कर सकते हैं। पर हमारी कोर्ट में बुजुर्ग दंपतियों के लिए ऐसा कानून होना चाहिए जो 6 महीने में हाँ या ना, ऐसे तो मकान है, किसी के लिए भी कोई जल्दी कानून राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं। पर कितने तो बुजुर्ग दंपत्ति ऐसे ऐसे बेचारे, अभी देखो ना 20 दिन पहले एक बुजुर्ग औरत को कुत्ते खा रहे थे। हाँ जी जी, तो ये चीजें है जी, हम इस चीज के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप इनके केस में है तो आपको पता होगा क्या उनकी जो दूसरी पार्टी है उनके पीछे किसी बड़े आदमी का सपोर्ट है या किसी का सपोर्ट है, जिस वजह से वो डर नहीं रहे, जिस वजह से वो इतने शातिर अंदाज से अपनी कब्जा बनाए बैठे हुए हैं। क्या उनको दिमाग देने वाला या उनको कुछ बताने वाला कोई ऐसा है उनके सपोर्ट में, आपको लगता है? हमें कोई मिला ही नहीं, हम फोन कर रहे हैं जगह जगह, कोई हो तो या कुछ भी हो। दूसरी बात है, जो आदमी जो अभी 44 साल की उसकी हेमंत ग्रोवर की उम्र हुई है, पर उससे मुलाकात तो ये वो समझ ही नहीं रहा, कहाँ बैठेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें पर खबरें चल रही हैं, सभी लोग उसको प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या मकान को चाट लेगा, क्या क्या करेगा, उसका व्यवसाय खत्म हो जाएगा, कोई बैठने नहीं देगा, कोई मकान पे नहीं आने देगा। और हरजीत कौर अभी गुरु गोविंद सिंह की लाडली पोत परसों चौथे के घर आई थी, उन्होंने बाबा मीर सिंह ने भी कहा है भैया, और अभी भी कल भी वीडियो में कह रहे हैं कि हमें मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, भैया हाथ जोड़ कर ये कह रहे हैं इनसे माफी मांग लो, ये मकान छोड़ना तो पड़ेगा ही। ये करनाल की लड़ाई हो चुकी है, करनाल के समाज की लड़ाई, करनाल के युवाओं की लड़ाई हो चुकी है, करनाल के सामाजिक आदमियों की लड़ाई हो चुकी है। हमने तो इन लोगों के चेहरा, इन लोगों को यही हमारा धर्म है आपके सामने पेश किया, अब करनाल जाने और ये बुजुर्ग जाने जी। जो वो हरजीत कौर जी है, जो उनका पिछले जो मूल था, वो रहने वाले कहाँ के हैं पता नहीं हमें, तो ये पता जरूर लग गया कि 2007 में 211 नंबर मकान सेक्टर 14 में किसी के में वो लोग बैठे हुए थे और वहां पर भी मनसा कब्जे की थी पर उन लोगों ने भगाया। तो हरजीत कौर का हमें तो पता ही नहीं। एक और बात देखने को मिली, ये ऐसे ऐसे जो कब्जाधारी होते हैं, सुबह से हम धार्मिक कामों में लगे रहते हैं, कुटिया में सुबह से हम अरिजीत कौर जाती है, एक एक घंटा 1.5 घंटा परमात्मा वाहेगुरु के सामने दरखास्त लगाती है, कैसे किस मुंह से लगाती है, किस मुंह से, जो असली भगवान हमारे बुजुर्ग है, हम उनकी सेवा नहीं करते, उनको दुख दे रहे हैं, उनकी आंखों में दुख दे रहे हैं, तो हम जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनको दुख देंगे तो खुद कैसे सुख रहेंगे। वो कोर्ट में लिख रहे हैं कि 2016 में पैसा दिया, नोटबंदी का समय था, अरे पैसा लिया तो भैया 2 दिन हुए वीडियो डाल रहे हो, पैसे की रसीद दिखा दो, इनकम टैक्स की रसीद दिखा दो, इनके खाते खंगा दो, ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं, माना नहीं करता। अभी
बेच रहे हैं, नोटिस आ गया कब्जा असली मालिकों के पास, सवेरे सवेरे नोटिस आ गई, मेरे पास आ गया, इनके पास आ गया, जो कोई आवाज उठाता उसके पास आ गया, उनका क्या? तो इसलिए फिर आपके माध्यम से कह रहे हैं 11 तारीख लास्ट डेट है हमारी, 11 तारीख से पहले मकान खाली करवाएंगे हम, हर हाल में कराएंगे जी। और बुजुर्गों को इस, यही हमारा धर्म है और यही हमारी पूजा है और इसी को हम अपने हिंदुस्तान में क्या, इनको इनका मकान 11 तारीख से पहले इनको दर्शन कराएंगे, हम लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। पर आपके माध्यम से फिर कहना चाहते हैं, आपके पास टाइम है हेमंत भाई, आपके पास टाइम है बुआ जी हरजीत कौर जी, की शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा और आप लोग प्लीज इनको मकान वापस जी। हमारे चैनल के माध्यम से यही आपके सब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इनके मकान को वापस दे, इनके दर्द को भी समझें। जैसे कि आप अपने लिए घर के लिए अपने घर पे छत चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि इनके छत हो इनके सिर पे। जैसे इनके बेटे नहीं है तो ये अपने लिए जो इन्होंने कमा रखा है, जो इनकी पूंजी है, इनकी पूंजी वो एक घर ही है, वो ही आप लोग लेके बैठे हैं, तो आप थोड़ा इनके उससे भी सोच के देखिए, थोड़ी आप में इंसानियत होगी। कई समर्थन भी आ रहे हैं, फूड सप्लाई में रिटायर ग्रो इस करनाल में फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से सुप्रीडेंट से रिटायर है। हाँ, अरे मैं तो उन अधिकारियों से भी कहूंगा, करनाल के जितने भी अधिकारी डीसी और एसपी साहब के आसपास में कमरों में बैठे हुए हैं, रिटायर होने के बाद वो अपने मकान देख लेना। तो फूड सप्लाई ने अपना समर्थन भी दिया है, रिटायर ने भी अपना समर्थन दिया है, युवाओं ने समर्थन दिया है, ये प्रोफेसर पॉलिटेक्निकल से रिटायर, और ऐसे ऐसे रिटायर अधिकारियों के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी के साथ क्या होगा। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा है, तो ये जो संगठन के जरिए हमारे जो जेपी सर जी हैं शेखपुरा जी, जो ये इतनी अच्छा काम कर रहे हैं इनकी तरफ से, इनको सपोर्ट करके इनकी आवाज उठा रहे हैं, नहीं तो इनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता और वो इन पे कब्जा करके आसानी से जा सकते थे, लेकिन ये नहीं करने देंगे ऐसे इनके साथ। मैं भोजन आवाज से आवाज मिल भी रही है, बसंत बिहार से अन्य भाई हैं और रवि भाटिया आ रहे हैं, दीपक रहे हैं, 14 सेक्टर वालों ने, लोग इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, काफी लोग ने 14 सेक्टर की मार्केट ने हरजीत कौर को दूध पानी जो करियाने की हीना जनरल स्टोर है जी, विकास मित्तल है, राकेश मित्तल जिन्होंने इनको मकान दिलाया था, उनकी वीडियो भी हमारे पास आ गई है। पूरे करनाल शहर में 3000 सामाजिक संस्थाएं हैं, पर अभी 20 संस्थाओं ने समर्थन दिया, पर और संस्थाओं से भी कहूंगा, सभी से कहूंगा आओ, इसी का नाम तो धर्म है, अगर सामाजिक संस्थाएं बनाई है तो दो उनका साथ, हमने तो आईना, इनको आईना के रूप में आदित किया है और यही हमारी मंशा है कि इन लोगों को इनका मकान मिल जाए जी। जैसे कि आपने देखा कि भी इनके आंसू देखे, इनके दुख देखे, किस तरह से ये कितने परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब हैं ये लोग इतने कि इनकी जमीन को किसी और ने हड़प के बैठे हुए हैं वो, कि क्या कब तक खा पाएंगे वो उस जमीन को, क्या सारी उम्र उस जमीन के लिए रह पाएंगे, उस जमीन में क्या खा लेंगे, वो कुछ नहीं खा पाएंगे, लेकिन एक किसी की दिल को दुखा के वो कभी सुखी नहीं रह सकते। फिर भी आपके माध्यम से कहूंगा जी, सेक्टर 7 के 216 में रहते हैं, कोई भी भाई जाकर के इनकी बात सुन सकता है, प्रधान भाग सिंह जी भी कल गए थे और भी कोई भी जा सकता है, और इनका असली मकान सेक्टर 14 में 325 नंबर जो है, वहां के आस पड़ोस मार्केट सभी इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो फिर आखिर में आपके माध्यम से कहूंगा, प्रशासन से भी गुहार लगाऊंगा, सीएम सिटी में रहते हैं जी हम, मुख्यमंत्री जी आपके, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है जी, यहाँ पे इनके साथ न्याय नहीं होगा तो देखो इनके जैसे कितने सारे ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति होंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा होगा, कोई कोई आगे आता है, कोई कोई आगे नहीं आ पाता, कोई कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाता, अगर इनके इनका सपोर्ट करोगे तभी आगे अपनी लड़ाई पर, हम जैसे इनके साथ आगे आएंगे तभी इनका कुछ हो पाएगा, तभी ऐसे ऐसे शातिर कब्जेधारी बदमाश जो है जो कब्जा करते हैं वो तभी उनके मन में भय होएगा कि हम उनके साथ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ गलत होगा। आप अब इनके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे को सुनने में ऐसा आया है कि वो लड़का जेपी शेखुपुरा पर ब्लेम लगा रहा है कि ये पैसे ले रहा है, पैसे लिया है। मैंने इससे पहले इन्होंने नीलम गेरा का मकान खाली करवाया, उससे मेरी बात हुई, जहां ही पहले किराए पे रहते थे। नहीं मैडम बेटे, 2040 मकान भी इन्होंने खाली करवाया। अच्छा, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा क्या कुछ उन्होंने लिया, कहते हैं मेरे तो ना पहले लिया है ना बाद में लिया, मैंने पूरी कोशिश करी आए थे गिफ्ट भी देने की, कहते हैं गिफ्ट भी देना किसी गरीब को दे दो, मैं एक पैसा नहीं लूंगा। और वही मैंने इन सर से भी कहा, मैंने कहा कुछ पैसे की हो तो मुझे क्लियर बता दो, कहते हैं बहन जी मैंने तो आपको बहन मानकर मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और इतने अच्छे आदमी पर उस पर इतने गंदे आरोप लगा रहा है, ये पैसे ले रहा है, जबकि इसने
पहले काम वाले से भी, जिसका पहले काम फिनिश हो चुका है उससे वो गिफ्ट भी देना चाह रही है। इनका थोड़ा सा क्योंकि देखो हमने 800-700 आंदोलन किए पर हमारे पे दाग नहीं लगा आज तक, इसलिए हम थोड़ा कामयाब हम। वो कल जो वीडियो आई है अरिजीत कौर की वीडियो आई है सोशल मीडिया पे और हेमंत जी की वीडियो आई है, उन्होंने कहा है कि जेपी शेखपुरा ने मेरे से पैसे की डिमांड करी, पर सोशल मीडिया पे 3-4 हो गए थे, 1 महीना से हम लोग बात कर रहे हैं, आज तक क्यों नहीं बताया, कल ही क्यों बताया। तो ऐसे ऐसे लगते रहते हैं जब सच्चाई के रास्ते, जब उन्होंने खुद को फंसते देखा तो उन्होंने उल्टा आपके ऊपर ही आरोप कह दिया कि अगर तेरे पास सबूत है कुछ ओपन तो करो, तो ऐसा चलता रहता है। ऐसे तो आप भी ये वीडियो देखिएगा, हम आपको भी ये वीडियो आपको दिखाएंगे, आप भी ये वीडियो देखिएगा कि वो कैसे इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात आपसे फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर आज इस स्टूडियो में हमारी बातचीत हुई है तो इसका मेन मकसद ये है कि आप इस बात को शेयर कर दिए और इस पे कमेंट्स किए और इसको इतना फैलाए कि ताकि हिंदुस्तान के जो दंपत्ति बुजुर्ग दंपत्ति है वो सचेत हो जाए और पूरी तरह से खुशहाली रहे और कोई भी दुखी ना रहे, यही हमारा मकसद है जी। मैं युवा बोलेगा मन से एक सामाजिक कार्यकर्ता लगा लो, एज ए वकील लगा लो, तो ये करनाल वासियों जाग जाओ प्लीज, और 11 तारीख से पहले हम लोगों ने इनको मकान दिलाना है। मेरी भी करनाल वासियों से एक अपील है कि जब भी अपना घर किराए पे दे उससे पहले उनसे उनके सर्टिफिकेट्स, उनसे उनका आधार कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन, ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स उनके पास से लेके रखे ताकि कल को आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी तो आप उनको प्रूफ दिखा सकते हैं, उनके साथ एक आप एग्रीमेंट साइन करवा के रखे। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।